नहीं तोड़ करूँ। पहले क्लिक आज शादी की 75वीं साल की है आपकी। हाँ जी, कैसा लग रहा? चोखा लग रहा है बस। अच्छा लग रहा बस, बढ़िया। आज के दिन शादी हुई थी आपकी? हाँ जी, आज के दिन शादी हुई थी। अच्छी हुई थी। कितने दिन बारात हो गई थी? 3 दिन। बढ़िया रही थी। अच्छा, हाँ चोखा खाना बना था। चोखा अच्छा, पहले ही वही खाना पसंद था सबको। दाल रोटी, देसी घी, भाई पेड़ा दूध और बस लड्डू और चावल। जो खाना बना था बढ़िया खाना था। अब कहाँ खाना था, अच्छा खाना था। अब बढ़िया भाई, अब चोखा हमारा दिन बढ़िया कट रहे। अच्छे, अच्छा परिवार है, खुशी है परिवार की। अब जा 5 पोते हैं, 3 पड़पोते हैं, 3 पड़पोती है भाई। 5-4 बहू आ रही, पड़पोत बहू 4 आ रही, और भाई 3 अपनी बहू है। परिवार भर रहा मेरा, खुशी है मुझे। 3 देती हैं, 2 धी हैं भाई। दियो की ढप से मेरा भाई, अग्न खाओ मेरे। अच्छा जी, जब बीमारी चल रही कोरोना बीमारी, पहले किस तरह की बीमारी सुनी? नहीं भाई, हमने कोई सुनी नहीं। एक बार मुझसे की बीमारी है, अगर मुझसे सब बीमारी होगी वो अभी इतनी ऐसी खतरनाक है, तो बहुत खतरनाक बीमारी है कोरोना। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को इस बीमारी से किस तरह से लड़ना, कितना लड़ना चाहिए भाई? अच्छी तरह लड़ो, बाहर से आओ, बाहर की चीज ना खाओ, बाहर से चीज रख दो, थोड़ी देर धूम रख दो, धो दो, और भाई इंतजाम से रहो। अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ भाई, बचते रहो सब तक, और भाई हाथ पांव धो अपने, और जब खाना खाओ इस बीमारी से लड़ो। पता चला आप 1 घंटा सुबह योगा करते हैं? हैं भाई, हाँ भाई 1 घंटा तो नहीं करती, कर लूँ वहीं के रखने लगता बस। ही कितने दिन से करते आ रहे हैं योगा? कर लूँ 1-2 साल तक। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र का भाई मुझे पता नहीं, लगभग उम्र का मुझे इतना पता, 75-70 साल की तो मेरी लोंडी होगी। और भाई 16 साल पहले लगा ले, सारे ही 16 लगा ले। क्या साल की साल की 14 पूरी हो गई थी जेठ साठ में, बैसाख में ब्याह गया था। कितनी साल हो गई आज आपकी शादी? 75 साल हो गए। बड़ा परिवार कर नहीं पाए बीमारी की वजह से, छोटा परिवार है। और आपको जो जब शादी हुई थी, शादी का लम्हा कोई याद है आपके? हाँ जी, और क्या कहूँ। किस तरह से शादी हुई थी, कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी तो बता नहीं, 75 साल पहले भी बड़ी शादी सादगी थी। जब तो कोई बात ही नहीं थी शादी में, बड़ा जरूर ब्याह थी तंगो तंगो में, और कोई साधन नहीं थे उस समय। और आज का जो समय अंग्रेजों का राज था, जिस समय अंग्रेजी राज था जी, हाँ 1945 में शादी हुई थी। कोई परेशानी आई थी शादी में उस समय? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई थी शादी में। कितने दिन परात रुकी थी?
हाँ जी। बारात कितने दिन रुकी थी? बारात में कितने दिन गए? कितने दिन रुकी थी बारात? बारात 3 दिन रुकी थी, जब तीसरे दिन आवती जैसे आज गई परसों को आओगी वापस। क्यों टांगों में जाती बैल थक जाते, अगले दिन तो लौट नहीं सकते। अच्छा था खान पीन का भी सही साधन था, जाते बारात को शरबत वरबत दे दिया, एक टाइम रोटी दे दी। आजकल तो कोई हिसाब ही नहीं रह रहा जी। वो जमाने को देख कर तो आज का जमाना बहुत ही ऐसा बिकट दिख रहा। मत उस समय ये जरूर था कि पैसे की कमी थी, आज पैसा है लोगों के पास, साधन संपन्न है, ट्रैक्टर भी हैं, कार भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं। वो जमाने में तो साइकिल भी देखनी मुश्किल थी। उस अंग्रेजों का राज ठीक था, भ्रष्टाचार कुछ नहीं था, कोई जबर जबर भी पैरों भीर बंदी कहीं घूमो किसी को दिक्कत नहीं थी। आज और क्या, आज आज तो परेशानी परेशानी है। आज तो घर सब बाजारों में बेइज्जती हो रही लड़कियों की, कोई वही नहीं रह रहा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल रहा। हम तो देख के वो हो जमाना याद है वो पिछला। अब के ज़माने से हम तो दिखे जो पहला ज़माना बढ़िया लगा था, ठीक है उस ज़माने में पैसा कम था लेकिन आपस में प्यार था सब में। गाँव में 10 आदमी बैठे थे, पंचायत लगे थी। और अब तो एक रोज की बताऊँ मैं आपको, 2 आदमी आ गए, मैं बाहर खड़ा था, उन्होंने मोटरसाइकिल रोक ली। भाई क्या किस्सा हो रहा है, गाँव में कर्फ्यू लग रहा, मगर ये नहीं कर्फ्यू जान लग रहा। कहने लगा जहाँ से हम गाँव में बड़े सब दरवाजे बंद हैं, मगर जी बट्ठो होता है सुकून में, बैठने का हमारे पास टाइम नहीं भाई, हमें बहुत दूर जाना, कल को वापस लौटते हुए टाइम मिला जरूर बैठेंगे। तो अब तो ऐसी दशा हो रही जी, आदमी जाओ घर में बढ़ कर किवाड़ बंद, पता नहीं क्या जमाना आया सब रहा, समझ में नहीं आ रही बात। बीमारी कोरोना भी, कोरोना आ रहा है जी, कोरोना हाँ जी, जो भी हो रहा है जी, कोरोना कुछ भी। अब तो पहले तो बीमारी का नाम ले लो, बीमारी तो खैर चली रही जी, अब जा बहुत ज्यादा। इस तरह की बीमारी पहले भी आई कभी? पहले भी आई कभी इस तरह की बीमारी? पहले नहीं आई जी, पहले तो बुखार सुखार हो गया किसी को, हम तो ये दिखे कि बुखार हो गया, हाड़ चला रहे पड़ रहे वहीं डरो में, उठ कर पैर हाड़ चलाने लगे। ना डॉक्टर थे, एक हकीम था यहाँ 2-3 गाँव में बढ़ के ली। और अब तो डॉक्टरों का कोई हिसाब ही नहीं, कितने डॉक्टर हैं मरीज पता ही नहीं डॉक्टरों को। पहले नो कहें खून की टेस्ट करो, सब टेस्ट करवाओ कौन ही का, और जब बताओ उसके हिसाब से दवाई दें। पहले नबजी हकीम थे, नबज पकड़ के बताओ थे क्या हो रहा भाई, क्या बुखार है जो है वो। अब तो कुछ भी नबज का तो पता ही नहीं किसी को, डिग्री बड़े बड़ी ले रहे कोई वो नहीं। हम तो आज के ज़माने से पहला ज़माना बढ़िया दिक्कत है जी। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं हमारे जी? हाँ परिवार में तो समझो 18-20 आदमी होंगे। कौन सी पिड्डी आपने देख ली अपनी? कौन सी पिड्डी देख ली अब तक आपने? बेटे पोते पड़पोते? पड़पोते लो जी, ये 2 पड़पोते नहीं, तीन लड़के हैं, 5 पोते हैं, 2 पड़पोते हैं, 1 पड़पोती है, 3 पड़पोते हैं जी, 3 पड़पोते 2 पड़पोती। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र जी आपके हाँ जी, ये 9 मई 45 दिन की शादी हुई थी और जी 8 मई को 45 मई हमारे ताऊ जी की शादी हुई थी। वे तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन ये ऊपर वाले का बड़ा धन्यवाद है हमारे पे, आशीर्वाद है, अब हमारे मतलब जो माँ बाप दोनों हमारे साथ हैं।
हमारे पिताजी की उम्र लगभग 94 साल के करीब जा ली, माता जी की 90 के आसपास होंगी। डेली किस तरह की दिनचर्या है? अब तो माता जी का तो यही है, सुबह अपना उठ के भाई थोड़ा बहुत प्रभु का नाम लेना, और पिताजी अपना जो है टहलने के लिए चले जाएं, ये उठ के प्रभु का नाम लेके योगा करेंगी थोड़ी देर, फिर अपना नाश्ता करें। परिवार में कितने इनकी 5वीं पीढ़ी चल रही है, ऊपर वाले ने चाहा तो 6ठी पीढ़ी आने वाली है जल्दी ही, या खुशखबरी भी मिलेगी वो भले ही इनकी लड़कियों की तरफ से आवे। और भाई इनका दिनचर्या तो यह है कि ये अब भी इस उम्र में जैसा कोरोना का प्रकोप है तो इन पर थोड़ी सी हमने बंदिश लगा रखी, नहीं तो ये गांव में मतलब जो है 2 किलोमीटर का राउंड तो ये प्रतिदिन अब भी काट चलें। क्या ये हर साल मनाया जाते हैं? हाँ जी, हमन तो हर साल ही करते हैं, लेकिन मतलब जो बड़ी नहीं कर पाए, वो पहली करी थी जिसके ये फोटो लगे हुए, ये इनकी जो 50वीं है उसके लगे हुए, वो नहीं कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि सभी लोग उसमें आवे, सभी सम्मिलित हो, सभी आशीर्वाद लें तो ठीक रहे। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब जो है सो भी मने, अब ये तो मालिक के ऊपर बात है।